when there's no more hope is left in me i can see what comes my way and i'm always lost there's nowhere else to go कैसे हो आप सब आपका आपके अपने यूट्यूब स्वीट जैसे फैमिली ब्लॉग में एक बार फिर से वेलकम करती हूँ मैं ललिता मीणा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे मस्त होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और देखिए आज का मेरा ब्लॉग को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर एक बार आपने सब्सक्राइब कर रखा तो दोबारा मत करिए और देखिए आज का मेरा ब्लॉग कुछ स्पेशल शेयर किया है आपके साथ सूट कर दिया जाए और आज मैं आपके साथ एक स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो अधिकतर लोगों को आती है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट दे के बहुत ही टेस्टी यम्मी चिकन आप बना लोगे तो इसमें मैंने जो सबसे पहले तो इसको अच्छे से नींबू डाल के धो लिया था क्योंकि चिकन की जो स्मेल होती है वो मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है तो नींबू एक नींबू कट कर करके थोड़ी देर पानी में डाल के रख दिया था फिर उसके बाद अच्छे से धो लिया और उसके बाद मैंने डाला है इसमें डेढ़ बड़ा चमचा दही और हल्दी नमक और जो भी मैंने चौपट करके रखे थे प्याज हरी मिर्ची लहसुन वो सब मसाले मिक्स करे हैं मैंने और थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर से मीन्स एक घंटे के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया था उसके बाद मैंने जो फिर बनाया था तो उसमें मैंने ये तीन बड़े चमचे है जो तेल डाला था और ये रिफाइंड ऑयल है और इसमें मैं छौक लगा रही हूँ दालचीनी लौंग काली मिर्ची है, और कुछ फूल जैसा ही आता है उसमें बहुत खुशबू होती है वो है मेथी है और साबुत धनिया जीरा और मीठा नीम तो इसका मैंने तड़का लगाया और उसके बाद ये मैंने चॉप करके रखे थे हरी मिर्ची प्याज लहसुन अदरक वो सारे मैंने मसाले मिलाए और मसाले हम लोग ज़्यादा ही डालते हैं आ, मतलब कि मसाले ज़्यादा नहीं हो तो हमें अच्छी नहीं लगती सब्जी नॉर्मल सब्ज़ी में भी थोड़े ठीक ठाक मसाले डालते हैं और लहसुन की मैंने तीन गांठ और दो बड़े प्याज काटे थे चार हरी मिर्ची थी और एक अंगुल अदरक का टुकड़ा था और ये जो मैंने तब मसाले में मिक्स करके रखा था चिकन तो अब वो मैंने डाल दिया है ब्राउन होने के बाद मसाले और साथ ही बन रही है मेरी बाटियाँ उधर क्योंकि चिकन या मीट के साथ हम लोगों को बाटियाँ ही ज़्यादा पसंद है तो और हम मतलब मुझे इतनी पसंद नहीं है लेकिन उनको और बच्चों को ज़्यादा पसंद है तो फिर मैं बाटियाँ डाल देती हूँ और साथ में हो गए थे बहुत सारे बर्तन और मैंने सोचा क्यों ना साथ के साथ ही समेटते जाऊँ तो मैंने हाथों हाथ ही बर्तन भी कर लिए थे और एक बार आप लोग इस तरह से बना के देखिए चिकन को बहुत ही यमी बनेगा और बहुत मतलब हल्की सी खटाई आ जाती है तो बहुत स्वादिष्ट बनता है और इतना खट्टा भी नहीं था दही नॉर्मली खट्टा था तो बहुत अच्छा बना था आप लोग बना के देखिए और मैंने चिकन को ड्राई नहीं बनाया है हल्का सा उसमें झोल रखा है झोल मीन्स पानी मतलब जैसे ही उसके मसाले वसाले पक गए थे तो उसके बाद मैंने उसमें पानी ऐड किया था तो उसकी वजह से रेसेदार चिकन बनाया है बहुत ज़्यादा रेसेदार भी नहीं है पर ठीक ठाक था और ये मैंने कम से कम इसको पंद्रह मिनट भुना है मसालों के साथ ही और अब हो चुका है ऑयल सेपरेट ये देखिए और उसके बाद मैंने डाल दी है लाल मिर्च जो लाल मिर्च आप अपने हिसाब से अपने स्वादानुसार डाल सकते हो और मैंने तो इतनी सारी डाली है क्योंकि एक किलो में एक पाव ही कम था तीन पाव था मीन्स तो मैंने इसमें चार चम्मच लाल मिर्च मिलाई थी और उसके बाद डाला मैंने एक मोटा सा टमाटर और थोड़ी देर हिलाया उसके बाद मैंने ढक के रख दिया था इसको और जब इसने वापस से तेल सेपरेट हो गया था इसमें तो मैंने इसमें ये लोटा भर के पानी डाल दिया है बड़ा लोटा है आधा लीटर पानी आता होगा इसमें इतना तो है और अब इसको मैं कम से कम पंद्रह बीस मिनट के लिए ढक के रख दूँगी उसके बाद आराम से चिकन बन के तैयार हो जाएगा और पानी भी जितना चाहिए उतना रह जाएगा तो अब बन चुका है एकदम चिकन परफेक्ट और उसमें डालिए मैंने कसूरी मेथी गैस बंद कर दिया था मैंने कसूरी मेथी डाली हरा धनिया और ये घर पे ही बनाया हुआ गरम मसाला है और दूसरी तरफ हो चुकी है ये मेरी बाटिया तैयार और एकदम खाने के लिए तैयार है चिकन एकदम परफेक्ट बना है ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला जितनी ज़रूरत थी उतना ही पानी इसमें बचा है जबकि आधा लीटर पानी डाला था मैंने और ग्रेवी अच्छी हो जाती है मसाले ज़्यादा डालने से और आपको मेरी रेसिपी कैसी ज़रूर बताइए और थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय